लिए अर्निंग से रिलेटेड एप्स एंड वेबसाइट लेके आती रहती हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो आपका एटीएम अकाउंट है उससे आप अपने पेटीएम अकाउंट में या फिर अपने बैंक में किस तरीके से मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे विड्रॉल कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। लास्ट में मैं आपको ऐसी वेबसाइट भी बताने वाली हूँ जिससे आप अपने एटीएम अकाउंट में मनी विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको एटीएम अकाउंट नहीं बनाना आता तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे देखिए मैंने जो है एटीएम अकाउंट में अपने लॉगिन कर लिया है। अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता है एटीएम अकाउंट तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगी इसके ऊपर। तो अभी आप जैसा देख सकते हैं बैलेंस शो हो रहा है 1.35 AUD मेरे पास हैं। इनको मैं आज आपको विड्रॉल करके दिखाऊँगी। 3 रोड पर जाएंगे, यहाँ पर आपको विड्रॉल वाला जो ऑप्शन है वो दिखेगा 3rd नंबर पे। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है विड्रॉल के लिए। चलिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 स्टेप्स आते हैं जिनको फॉलो करेंगे आप देन आपका विड्रॉल हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे चूज़ करना है कि हमें किस चीज़ में विड्रॉल लेना है, पेटीएम, बैंक अकाउंट, फ़ोन पे। तो मैं पेटीएम में आपको एक बारी दिखा देती हूँ। तो पेटीएम में विड्रॉल के लिए आप पेटीएम के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ से फिर आपको अमाउंट जितना आपको करना है विड्रॉल वो डालेंगे, जैसे कि मैं डाल देती हूँ यहाँ $1 का। देखिए क्या रेट मिल रहा है मुझे, 38.36 और 1.35 का मिल रहे हैं 68.19, जबकि इसका रेट बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, बट ये इतनी सारी फीस लेते हैं ना, जो सर्विस चार्ज वगैरह, यही चीज़ बस मुझे अच्छी नहीं लगती इस ऐप की। तो ये बहुत ज़्यादा पैसे बीच में खा जाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से प्रोसीड हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे इसमें लेके नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं और भी ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ। पेपाल के लिए पेपाल में क्लिक करेंगे देन अपना अमाउंट डालेंगे, देन ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको सब चीज़ों में लगेगा, चाहे आप किसी में भी लें। पेपाल में देखिए ये डालने पर मुझे यहाँ पे भी फीस लगने के बाद $0.93 मिलेंगे, तो मैं पेपाल में नहीं निकाल रही। पैसे मैं निकाल लूँगी आज फ़ोन पे में। देखिए फ़ोन पे में निकालने के लिए यहाँ पे पहले मुझे अमाउंट डालना है, 1.35 USD डाल देती हूँ मैं, जितना मेरा बैलेंस है। उसको डालने के बाद आप यहाँ चार्ज वगैरह देख सकते हैं। देन यहाँ पे 11 मिनट में ये आ जाते हैं ऐसे लिखा है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 2nd स्टेप आ गया है। इस स्टेप में आपको यहाँ पे अपना अकाउंट की सारी डिटेल, फ़ोन पे नंबर, UPI सब कुछ डालना है। मेरे को फ़ोन पे नंबर और UPI ही डाला है मैंने, बाकी डिटेल इतनी ज़रूरी नहीं है। नाम, फ़ोनपे और UPI डाल के सबमिट पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे 3rd स्टेप की तरफ। इसमें आपके लिए पेयर जो है वो ढूंढा जाएगा, जो कि आपके फ़ोन पे में आपको जो है पैसे देंगे। तो यहाँ पे देखिए सर्च होके ये पेयर आ गया है, जो ये डिटेल दी गई है इस डिटेल से ही मेरे फ़ोन पे में जो है पैसे आएंगे। तो देखिए सारी डिटेल चेक कर सकते हैं आप। जब आपके पास पैसे आ जाए उसके बाद ही यहाँ पे आपको 3rd स्टेप पे कंफर्म करना है, उससे पहले आप यहाँ कंफर्म ना करें। तो अभी मेरे पे कोई पैसे नहीं आए हैं, मैं आपको जाके एक बार चेक करके दिखा भी देती हूँ। जब पैसे आएंगे तभी कंफर्म करूँगी मैं, उससे पहले नहीं करूँगी। सो मेरे पैसे अभी आए नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिटेल के बगल में चैट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं चैटिंग कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ हेलो का मैसेज किया है, यहाँ मैं पूछ लेती हूँ कि मेरे पैसे अभी तक आए नहीं हैं, तो आप कब तक डालेंगे। जो भी है आपकी चैटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं और अपने पैसे डलवा सकते हैं। यहाँ से देखिए इसके बगल में हेल्प का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप रिमाइंड योर पेयर, यहाँ से इन्हें रिमाइंडर भेज सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं आए हैं। तो मैं रिमाइंडर देखिए भेज देती हूँ, रिमाइंडर पहुँच गया है। इस वाले पेयर ने मुझे पैसे नहीं भेजे थे तो वो कैंसिल हो गई थी रिक्वेस्ट। दोबारा मैंने रिक्वेस्ट जनरेट करी थी तो तुरंत ही देखिए मैंने यहाँ पर इनसे बात करी और इन्होंने मेरे फ़ोनपे में जो है पैसे भेज दिए थे। चलिए मैं आपको चेक करा देती हूँ।
करती हूँ। हिस्ट्री में जाके देखेंगे फ़ोनपे की, देखिए मेरे 68.96 जो हैं पैसे आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है, एक स्टेप अभी और कंप्लीट करना है पैसे आने के बाद भी आपको, तो क्या करना है देखिए, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि इन्होंने पेड कर दिए, तो मैंने बोल दिया ये यस हाँ जी पेड हो चुके हैं। अब यहाँ डिटेल्स में जाके अब आपको कंफर्म रिसीव पे क्लिक करना है, जब ही क्लिक करना है जब आपके पैसे मिल जाएं, उससे पहले आप ना करें। मेरे को मिल चुके हैं, मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ एंड कन्फर्म पर कर देती हूँ। ट्रांजेक्शन यहाँ पर कन्फर्म्ड हो चुकी है, 4 स्टेप कम्प्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर बैलेंस 0 हो चुका है एंड पैसे मेरे आ चुके हैं। सो अब बारी है लास्ट में ATM मनी अर्निंग ऐप के बारे में बताने की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इस ऐप में आपको यहाँ पे कपाचा भर के आपको अर्निंग करनी है। ऐप का नाम है 2Kapacha, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप इस पे काम कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ से जो देखिए पेमेंट प्रूफ आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी पैसे विड्रॉल करके आपको दिखाए हैं 1.35 USD, वो मैंने यहीं से कमाए हैं। तो आप इस ऐप को ज़रूर यूज़ करिए और ATM में पैसे इंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।